और शाम 31 जुलाई 2019 के महावाक्य हैं। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे रक्षा बंधन का पर्व, प्रतिज्ञा का पर्व, जो संगम युग से शुरू होता है, अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। प्रश्न, तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं? नाम बाला कैसे हो सकते? ज्ञान के बल के साथ योग का बल भी चाहिए, तो सब कार्य आपे ही करने के लिए तैयार हो जाए। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझा तो अखबार वाले आप पे ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। योग में रहकर समझाओ का क्या मतलब? बाबा की श्री मत पर समझाओ, मनसा भी और वचन और कर्मणा तीनों से एक मत, और मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक मत होने पर सबसे पहली बात हमारे दिमाग से ये लालच निकल कि हमने आर्टिकल छपवाना। सबसे पहली बात ये निकलना बहुत जरूरी, हमने इसे समझा नहीं। छापेगा नहीं छापेगा वो इस आत्मा का पार्ट, क्योंकि इच्छा रखेंगे और सारी मेहनत करने के बाद उसने नहीं छापा तो हम पेपर में गिरे, हमारा मूड। ये बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर हमारा है, ये नहीं कि छप गया तो हम पेपर में पास हुए, छप गया उसको समझ में आ गया तो वो पास हुआ, हमारा कोई फेल पास का इसमें नहीं है। हमने तो जो मेहनत की है, जो अपना समय सफल किया है, अपने आप को उस समय अनुसार अपने आप को भी तो पावर दी है ना। तो मैंने किसी से ज्ञान की चर्चा की, उसे ज्ञान मिला वो उसका प्रचार था, मैंने जो सुनाया मेरे को भी तो उससे बल मिला ना। रोजाना दूसरे को कहते रहो सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो, अपने को भी तो बल मिल रहा है ना कि सिगरेट नहीं पीना, बुराई को छोड़ना है। जो हम दूसरों को दे रहे हैं वो बल अपने अंदर भी भरता जाता है, ये बेनिफिट मुझे अपना है। वो हर एक आत्मा को इसलिए बाबा कहते कि आपने देना है, नहीं देते हो तो तुम्हारे पास नहीं है, नहीं देते हो तो तुम्हारे पास नहीं है, और तुमने दिया नहीं है तुम्हें मिलेगा भी नहीं, तुम्हारे पास है नहीं, तुमने दिया नहीं तुम्हें मिलेगा भी, और कल्प कल्प नहीं मिले। तब बात इसके साथ ये भी साथ, इसलिए फांसी का फंदा है कि देना, जो आपके पास है बाबा का खजाना बांट, जितना बांटोगे उतना आपके खाते में जमा होगा, उतना आपको
योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले अब भी तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम वाला होना है, इनसे ही वो तुमको संदेश। ओ आज बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाते हैं, क्यों? अभी नजदीक है, बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं। अब जो चीज होकर जाती है उनका पर्व मनाते हैं, ये तो बच्चों को मालूम है। आज से 5,000 साल पहले भी ये प्रतिज्ञा पत्र लिखाया था, जिसको बहुत नाम दिए हैं। ये है पवित्रता की निशानी, सबको कहना होता है पवित्र बनने की राखी बांधो। ये भी जानते हो पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर राखी पर्व शुरू होता है, जो फिर मनाया जाता है जबकि भक्ति शुरू। सतयुग त्रेता में नहीं मनाया जाता, संगम पर शुरू होता है। बीच में सतयुग त्रेता भी है, परंतु वहां ये रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाएगा। जब भक्ति शुरू होगी, द्वापर युग शुरू होगा, तो ये त्योहार फिर से मनाना। ये भी जानते हो पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी पर्व शुरू होता है, जो फिर मनाया जाएगा भक्ति जब शुरू होगी। इनको कहा जाता है अनादि पर्व, वे भी कब से शुरू होता है? भक्ति मार्ग से, क्योंकि सतयुग में तो ये पर्व आदि होते ही नहीं। ये होते हैं यहां, सब त्योहार आदि संगम पर होते हैं, वहां फिर भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। सतयुग में कोई त्योहार होते नहीं। तुम कहेंगे दीपमाला होगी, नहीं, वे भी यहां मनाते हैं, वाणी महोहन होगी। सतयुग में दिवाली नहीं मनाएंगे। जो यहां मनाते हैं वहां नहीं मना सकते। यहाँ मनाते हैं वहां कहीं नहीं मना सकते। ये सब कलयुग के पर्व हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं। अब ये कैसे मालूम पड़े कि राखी क्यों मनाई जाती है? तो हम सबको राखी बांधती कहती हो पावन बनो, क्योंकि आप पावन दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। पावन दुनिया के लिए, पवित्र बनने के लिए राखी बंधन मनाया जाता है। अब ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग का समय है। तुम बच्चों को समझाया गया है, भक्ति की कोई भी बात सुनाए तो उनको समझाना चाहिए। हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं, ज्ञान सागर एक ही भगवान है। सारी दुनिया वॉइसलेस निर्विकारी, भारत एक एकदम निर्विकारी देश का, दुनिया एकदम तमो प्रधान से अभी सतो प्रधान। भारत एक खंड है वर्ल्ड में एक खंड है। बच्चे जानते हैं दुनिया में सिर्फ एक भारत खंड है। भारत खंड में जरूर मनुष्य भी रहते होंगे। भारत सच खंड था, सृष्टि के आदि में देवता धर्म ही था, बाकी सब आए।
सृष्टि के आदि में देवी देवता धर्म ही था, उसको ही कहा जाता है निर्विकारी पवित्र दुनिया। निर्विकारी पवित्र धर्म जिसके 5000 वर्ष हुए, अब ये पुरानी दुनिया बाकी थोड़े रोज है। कितने दिन वॉइसलेस बनने में लगते हैं, टाइम तो लगता है ना। यहाँ भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सबसे बड़ा उत्सव तो ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बाबा हम पवित्र तो जरूर बने, हम पवित्र तो जरूर बनेंगे, ये उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते भी हैं हे परम पिता परम आत्मा, ये कहते हुए भी परम पिता बुद्धि में नहीं आता। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा को ज्ञान देने के लिए आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सब गुरु मिला। तब संगम मेला, जब तक सतगुरु ना आए तब तक संगम युग शुरू। पांच हजार वर्ष बाद एक ही बार होता, वो पानी में स्नान करने मेला करने का मेला तो अनेक बार मनाते आए। ये है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। संगम को भी कुंभ कहा जाता है। तीन नदियां वास्तव में है नहीं, गुप्त नदी पानी को कैसे हो सकती है। बाप कहते हैं तुम्हारी ये गीता गुप्त है, तो ये समझाया जाता है तुम योग से विश्व की बादशाही लेते हो। इसमें नाच तमाशा आदि कुछ भी नहीं है। वे भक्ति मार्ग पूरा आधा कल्प चलता है और ये ज्ञान मार्ग चलता है एक लाइफ एक जीवन। फिर दो युग हैं, बार दो युग हैं ज्ञान की प्रारब्ध और ज्ञान नहीं चलता। भक्ति में भक्ति तो द्वापर युग, ये ज्ञान चलता है एक लाइन। फिर दो युग हैं ज्ञान की प्रारब्ध, ज्ञान नहीं चलता। सत्युग में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान की प्रारब्ध होती है। भक्ति तो द्वापर कलयुग में चली आई है, ज्ञान सिर्फ एक बार मिलता है, फिर उनकी प्रारब्ध 21 जन्म चलती है। अब तुम्हारी आंखें खुली हैं, आगे तुम अज्ञान नींद में थे, अब राखी बंधन पर ब्रह्मा लोग ब्राह्मण लोग राखी बांधते, तुम भी ब्राह्मण हो, वो है कुख वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। भक्ति मार्ग में कितनी आंधी चलता है, दुबन में फंसे हो। दुबन दुबन किसको याद आ रहा है, एक ऐसी दलदल जिसमें जितना बाहर निकलने के लिए हाथ पैर हिलाएंगे उतना नीचे। आज दुनिया कितना इन दुखों से इस संसार से निकलने का प्रयास करती है उतना और धसती जा रही है, एकदम गले तक आ जाता है। तब बाप आकर अरे ना आवे, जब गले तक दुबन में फंस जाते हैं ऐसा बाप है, जब गले तक जब फंस जाते हैं तब बाप आते हैं बचाने के लिए। जब बाकी चोटी रहती है, चोटी से पकड़ कर बाहर, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं समझाने की, करोड़ों मनुष्य हैं, एक एक के पास जाना मेहनत लगती है। तुम्हारे ना तुम्हारी बदनामी अखबारों में हुई है, ये भगाते हैं घर बार छुड़ाते हैं। अखबारों द्वारा ही तुम्हारा नाम बाला होगा। अभी विचार करना है क्या करें जो समझे, क्या करें
जो अखबार वालों को समझ में रक्षाबंधन का अर्थ क्या है। जबकि बाप आए हैं पावन बनाने, तब बाप ने बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा ली है। पतितों को पावन बनाने वाले ने राखी बांधी है। कृष्ण को जन्म मनाते हैं, फिर जरूर गद्दी पर बैठा होगा। कारोनेशन कभी दिखाते नहीं है। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थी, उनका कारोनेशन हुआ होगा। प्रिंस का जन्म मनाते हैं, फिर कारोनेशन कहाँ? दिवाली पर कारोनेशन होता है, बड़ा भव्यता होता है। वो है राजयुग, राजाओं का सिखाने का कारोनेशन, आतिशबाजी चलाना, खुशियां मनाना, बड़ा भव्यता होता है। वो है सतयुग का, संगम युग का। संगम युग की जो बात है वो वहां होती है, घर घर में रोशनी का होती है। जब सब आत्माओं की ज्योति नहीं जगी, जब तक सब आत्माओं की ज्योति नहीं जगी है, तब तक वापस घर नहीं जा सकता। कोई आत्मा की ज्योति बुझी रह गई, जा नहीं सकती, सब की जगेगी तब तक। तो अब ये तो सब पतित हैं, उनको पावन बनाने के लिए सोच करना है। बच्चे सोच कर जाते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास, बच्चों के की बदनामी हुई अखबारों द्वारा, फिर नाम भी इन द्वारा ही होगा। थोड़ा पैसा दो तो अच्छा, रिश्वत दो, अब नहीं तो बच्चों की बदनामी हुई अखबारों द्वारा फिर से चलेगी, फिर से प्रसिद्धि भी होगी। अब तुम रिश्वत, तुम भी रिश्वत दो, वो लोग भी रिश्वत दें, तो दोनों एक हो जाएंगे। वो कहते अखबार में छपवाना है, पैसे दो। अब कहते तुम भी रिश्वत दो, वो लोग रिश्वत दें, तो तुम्हारे मेरों में फर्क क्या? तुम्हारी बात है योग पर, योग बल इतना चाहिए जो तुम ये कोई से भी काम करा सको। घूम घूम करनी है, घूम घूम करते रहना है। ज्ञान के बल तो तुम्हारे में भी है, इन चित्रों आदि में ज्ञान है। योग गुप्त, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बेहद का वर्षा लेना है, वर्षा भी बेहद का लेना है। सिर्फ 7 दिन का कोर्स लिया बस, जास्ती दरकार नहीं। फिर तुम जाकर औरों को आप समान बनाओ। आप तुमने कोर्स ले लिया, अब जाओ अब औरों को आप समान बनाओ। बाप ज्ञान का शांति का सागर विधु दे सकते, दुख अब दुख की बात है। बाप ज्ञान का और शांति का सागर है, ये दो बातें हैं मुख्य। इनसे ही तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। अब बाद में बड़ी सूक्ष्म है बात, बड़ी सूक्ष्म है। तुम बच्चे भल बाहर में चक्कर लगाओ, बाप को याद कहीं घूमो फिरो कुछ भी करो, परंतु बाप को पवित्र बनना है। देवी गुण भी धारण करना, कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। तुमको आप समान बनाते हैं तो बातों भी ज्ञान सागर बनते हो, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं तो तुम्हें भी आप समान बनाना है, उलझना नहीं चाहिए।
बाप भी ज्ञान का सागर, तुम भी ज्ञान के सागर। आत्मा में कोई छोटी बड़ी नहीं होती, परमात्मा भी कोई बड़ा नहीं होता। ये जो कहते हैं हजारों सूर्यों से तेजो में सब गपोड़े, बुद्धि में जिस रूप से याद करते हैं वो साक्षात्कार हो जाता है। इसमें समझ चाहिए, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, परमात्मा का साक्षात्कार, बात एक ही हो जाएगी। बाप ने रियलाइज कराया है मैं ही पतित पावन हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। समय पर आकर सबकी सदगति करता हूँ, सबसे जास्ती भक्ति तुमने की है, फिर बाप तुमको ही पढ़ाते हैं। रक्षाबंधन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी होती है, फिर दशहरा होता है। वास्तव में दशहरे के पहले तो कृष्ण आ न सके, क्यों विजयदशमी मनाएंगे, फिर कृष्ण का जन्म होगा। वास्तव में दशहरे के पहले तो कृष्ण आ ना सके, दशहरा पहले होना चाहिए फिर कृष्ण आना चाहिए, ये हिसाब भी तुम निकालेंगे। पहले तो तुम कुछ भी नहीं समझते थे, रक्षाबंधन था अभी। बाप कितना समझदार बनाते हैं, टीचर समझकर बना, टीचर समझदार बनाते हैं ना। अभी तुम जानते हो भगवान बिंदु स्वरूप है, झाड़ कितना बड़ा है, आत्माएं ऊपर में बिंदी बिंदी रहती हैं, मीठे मीठे बच्चों को समझाया जाता है। वास्तव में एक सेकंड में मीठे मीठे बच्चों को समझाया जाता है, वास्तव में एक सेकंड में समझदार बनना चाहिए, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है जो समझते ही नहीं तो एक सेकंड की बात है। हद का बाप तो जन्म बाई जन्म नया मिलता है, ये बेहद का बाप को एक ही बार आकर 21 जन्मों के लिए मिलता है। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, आयु भी बड़ी हो जाती है। ऐसे भी नहीं कि 21 जन्म कोई एक ही बाप रहेगा, नहीं, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है, तुम अभी दुख नहीं देखते हो। पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान का चक्र फिरता रहेगा, बाप को याद करना और वर्षा लेना, बस बच्चा इतना ही काम। भारत को पावन बना रहे हैं, हर एक पावन बनना है, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन होती है। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, जिसने बहुत जन्म लिए होंगे वे अच्छी रीति समझते रहेंगे। पिछाड़ी में आने वालों की इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि भक्ति भक्ति किसने जास्ती की है वे भी तुम जानते हो, वही पहले नंबर में अव्यभिचारी भक्ति करने वाला गिना जाता। अभी तो अपने से पूछो, हमने जास्ती भक्ति की है या इसने? जैसे तीखी, सबसे तीखी सर्विस करते हैं, जरूर उसने जास्ती मंजिल जास्ती सेवा की।
सबसे तीखी जो सर्विस करते हैं जरूर उसने जास्ती भक्ति की है। बाबा नाम तो लिखते हैं कुमार का, जनक, मनोहर, गुलजार, नंबर वार तो होते हैं ना, यहाँ नंबर नंबर वार बिठा नहीं सकते। यदि नंबर वार बिठाया तो उनके विचार चलना, विचार करना है। रक्षाबंधन का अखबार में कैसे डालें, ये तो ठीक है। मिनिस्टर आदि के पास जाते हैं, राखी बांधते हैं, परंतु पवित्र तो बनते नहीं हो। तुम कहते हो पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया स्थापन हो जाए, 63 जन्म विकारी बने हैं। अब बाबा कहते हैं विकारी कहते हो पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया स्थापन हो जाएगी। 63 जन्म विकारी बने, अब बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए सदा सदा के लिए बंधन मुक्त हो जाए। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। मुख्य बातें पासवीद ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान सागर बनना है। कोई भी अवगुण अंदर में है तो उसकी जांच कर उसको निकाल देना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है, आत्मा निश्चय कर आत्मा से बात कर कि मैं आत्मा से ही बात कर रहा हूं। योग बल इतना जमा करना है जो हर काम सहज, कोई काम में योग बल की कमी। जो अपना हर काम सहज हो जाए, अखबारों द्वारा हर एक को पावन बनने का संदेश देना है, वह आप समान बनाने की सेवा करनी है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा देवी गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले परिस्ता सुदेवता हुआ। परिस्ता से क्या बनेंगे, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले परिष्ठास्तु देवता भाव। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्मा है चाहे ब्राह्मण आत्मा है, ये दोनों की आवश्यकता गुण दान की है। तो आप इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है, इसमें प्रसाद को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, मिठाई देते हो, कोई आता है आपके घर, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज प्रत्यक्ष दिखाई देगा। श्लोक कहते हैं योग रूपी कवच को पहन कर रखो तो माया रूपी दुष्ट